आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। तो केमिकल रिएक्शंस अलग अलग है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है आपका रिएक्शंस विद मेटल। तो फर्स्ट पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी बहुत सारी रिएक्शंस है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ एक्वेस KOH और एक्वेस NaOH ऑन अल्किल हैलाइड। अभी जब भी आप अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करोगे एक्वेस KOH और NaOH तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो ये रिएक्शन क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है ब्रोमो इथेन, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करना और इस ब्रोमीन के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, OH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH2OH, ठीक है। और ये Br आपको किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे। तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, KBr। आपको क्या मिला, इथेनॉल। इथेनॉल का कॉमन नेम है इथाइल एल्कोहल। सेम आप रिएक्शन एक्वेस NaOH के साथ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 1-chloroprope। इस 1-chloroprope की रिएक्शन में किसके साथ करूं, एक्वेस NaOH। आपको इस रिएक्शन मिक्सचर को बॉइल करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, इस क्लोरीन के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2CH2OH, ठीक है। और फिर इस OH की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, क्लोरीन। तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, NaCl। आपका जो प्रोडक्ट है उसका नेम क्या है, प्रोपेन 1-ol। 1, 2, 3 फर्स्ट कार्बन को OH अटैच है इसलिए प्रोपेन 1-ol। इसका कॉमन नेम है N प्रोपिल एल्कोहल। सेकेंड रिएक्शन है एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ऑन अल्किल हैलाइड्स। यहाँ पे मैंने एक अल्किल हैलाइड का एग्जांपल लिया है ब्रोमो मीथेन। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कर रही हूँ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, सिल्वर ऑक्साइड आप पाउडर लोगे उसमें वाटर ऐड करोगे, जब आप इसका मिक्सचर प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। चलो रिएक्शन देखते हैं। ये आपका अल्किल हैलाइड है ब्रोमो मीथेन, यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। मीन्स ये इधर बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3OH, दैट इज मीथेनॉल प्लस। अभी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, Br। तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। सेम रिएक्शन मैंने एक और हैलाइड ग्रुप के साथ किए, क्लोरो इथेन। क्या करना है आपको, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा और ये क्लोरीन आपका इधर सब्स्टिट्यूट होगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2OH। और आपका बाय प्रोडक्ट होगा HgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। इसका नेम है इथेनॉल। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, हैलोजन की जगह पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल। थर्ड रिएक्शन है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN ऑन अल्किल हैलाइड्स। जब आप अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KCN के साथ करोगे आपको क्या मिलेगा, अल्केन नाइट्राइल्स और अल्किल साइनाइड। अल्केन नाइट्राइल्स अल्किल साइनाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले, मतलब जब भी आप ये वीडियो देखोगे, इस वीडियो देखने के बाद आप अल्केन नाइट्राइल्स अल्किल साइनाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला नोट जरूर देखना। नोट्स देखने के बाद आपको इसका IUPAC समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने यहाँ पे क्या किया है, एक ब्रोमो इथेन लिया, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ की है, KCN, अल्कोहलिक KCN। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करना है और इस हैलोजन की जगह पे आपको साइनाइड ग्रुप क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब ये जो CN है दैट इज साइनाइड ग्रुप, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2। Br के जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, साइनाइड ग्रुप, दैट इज CN।
और ये सी एन के जगह पे आप क्या सब्सिट्यूट करोगे, बी आर, तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, के बी आर। अभी जो आपको कंपाउंड मिला है इसका हमें अभी नॉमेनक्लेचर लिखना है। जब भी आपको नाइट्राइल्स के टर्म्स में लिखना होगा तो ये सी एन वाला कार्बन हम लोग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा प्रोपेन नाइट्राइल। ये जो हमने लिखा है ये नाइट्राइल्स के टर्म्स में लिखा है, बट अगर आपको अल्किल साइनाइड के टर्म्स में इसका यूपीएससी लिखना है तब हम क्या करते हैं, ये सीएन वाला कार्बन काउंट नहीं करते, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन काउंट करते हैं। तो 1, 2, 2 कार्बन मीन्स इथेन, तो इस कंपाउंड का नेम होगा साइनो इथेन। आप एक बार नोट्स देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है और इस क्लोरीन के जगह पे ये साइनाइड ग्रुप को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना। तो आपको क्या मिलेगा, CH3Cl, और आपका बाय प्रोडक्ट क्या है, ये क्लोरीन आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका बाय प्रोडक्ट होगा KCl। चलो इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं। नाइट्राइल्स के टर्म्स में लिखना होगा तो सीएन वाला कार्बन काउंट करना है, 1, 2, 2 कार्बन मीन्स इथेन, तो इसका नेम होगा इथेन नाइट्राइल। और अगर हम साइनाइड के टर्म्स में लिखेंगे तो सीएन के नेक्स्ट वाला कार्बन काउंट करना है, तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन मीन्स मीथेन, तो इस कंपाउंड का नेम होगा साइनो मीथेन। आप एक बार नोट्स चेक कर लेना तो आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड ऑन अल्किल हैलाइड। आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अल्किल आइसोसाइनाइड। इसके पहले वाले रिएक्शन में हमने क्या किया था, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ की थी, तब हमें क्या मिला था, अल्किल हैलाइड प्लस KCl, अल्कोहलिक KCl, तो आपका प्रोडक्ट क्या आता, RCl, दैट इज अल्किल साइनाइड। अगर बॉन्डिंग कार्बन के थ्रू होगी तो वो साइनाइड होगा, बट इस रिएक्शन में आपको क्या मिलने वाला है, अल्किल आइसोसाइनाइड, RNC। यहाँ पे बॉन्डिंग किसके थ्रू है, नाइट्रोजन के थ्रू। जब बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू होगी तो उस कंपाउंड को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, अगर बॉन्डिंग कार्बन के थ्रू होगी तो उस कंपाउंड को बोलते हैं साइनाइड। चलो हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे अल्किल हैलाइड क्या है, क्लोरोइथेन। आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, सिल्वर साइनाइड, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो आपको इस हैलोजन के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है। बट यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्या देखते हैं, CH3CH2। अब ये Cl के जगह पे मैं ये साइनाइड ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ, बट यहाँ पे बॉन्डिंग कार्बन के थ्रू नहीं होगी, बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के थ्रू। तो आपको क्या मिलेगा, NC, NC मीन्स आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन से हमें काउंट करना है, 1, 2, 2 कार्बन मीन्स इथेन, तो इसका नेम होगा इथिल आइसोसाइनाइड। क्या है इसका नेम, इथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अभी ये क्लोरीन आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। सेम रिएक्शन हम लोग ब्रोमो मीथेन के साथ भी करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये साइनाइड ग्रुप आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, बट ये सब्स्टिट्यूट होगा किसके थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू, तो आपको मिलेगा CH3NC। तो इसके नेक्स्ट वाला कार्बन 1 कार्बन है, मतलब ये मिथिल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे मिथिल आइसोसाइनाइड। और ये BR आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका बाय प्रोडक्ट होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिंपल रिएक्शन है, बट आपको यहाँ पे याद रखना है, जब आप अल्कोहलिक KCN लोगे तो आपको अल्किल साइनाइड मिलेगा, मतलब बॉन्डिंग कार्बन के थ्रू होगी, और जब आप रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्किल आइसोसाइनाइड, और यहाँ पे बॉन्डिंग किसके थ्रू होगी, नाइट्रोजन के थ्रू। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड ऑन अल्किल हैलाइड्स। यहाँ पे अल्किल हैलाइड हमने लिया है, उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, सिल्वर नाइट्राइड, HgNO2।
आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, नाइट्रो अल्केन, दैट इज आर डैश एनओ. रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने एक अल्किल हैलाइड का एग्जांपल लिया है, ब्रोमो इथेन. आपको क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है. रिएक्शन क्या चल रही है हमारी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब इस हैलोजन के जगह पे आपको कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ पे हमारा क्या कंपाउंड है, AgNO2, मतलब ये नाइट्रो ग्रुप है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2NO2, ठीक है. और ये Br आप नाइट्रो ग्रुप के जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका प्रोडक्ट होगा बाय प्रोडक्ट AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड. अभी इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं. NO2 ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वहां से आपको नंबर्स देने, 1 2. टू कार्बन मीन्स इथेन, तो इस कंपाउंड का नेम होगा नाइट्रो इथेन. सेम रिएक्शन हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल के साथ करेंगे. यहाँ पे मैंने लिया है क्लोरोमीथेन, सब्स्टिट्यूशन है. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और इस हैलोजन के जगह पे हम लोग क्या अटैच करेंगे, NO2 ग्रुप. तो आपको क्या मिलेगा, CH3NO2, वन कार्बन, इसका नेम आएगा नाइट्रोमीथेन प्लस. और ये इस NO2 के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, Cl. तो आपका बाय प्रोडक्ट होगा AgCl सिल्वर क्लोराइड. सिंपल रिएक्शन है. यहाँ पर भी हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन. हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या अटैच किया, NO2, और हमें क्या मिला, नाइट्रो अल्केन. नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया ऑन अल्किल हैलाइड. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, प्राइमरी अमाइंस, दैट इज आर एन एच टू. प्राइमरी अमाइंस का नॉमिनक्लेचर कैसे लिखते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी. हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. हमने यहाँ पे एक अल्किल हैलाइड का एग्जांपल लिया है, ब्रोमोमीथेन. आपको उसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, अल्कोहलिक अमोनिया. रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है और रिएक्शन अंडर प्रेशर होगी. तो ये कंडीशंस आपको मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है. रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. अभी अमोनिया, अमोनिया को हमें इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, NH2H, मतलब ये क्या है, NH3. अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ये NH2 ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा और आपको क्या मिलेगा, CH3NH2, ठीक है. और ये जो बचा हुआ H और ये Br, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बाय प्रोडक्ट HBr. तो अभी आपको यहाँ पे क्या मिला, प्राइमरी अमाइन RNH2. ये NH2 ग्रुप किसको अटैच है, इस कार्बन को. और ये कितने कार्बन है, वन कार्बन मीन्स मीथेन. तो इसका नेम आपको कैसे लिखना है, आपको यहाँ पे मीथेन आगे ई नहीं लिखना, आगे क्या लिखना है, अमाइन. इस कंपाउंड का नेम होगा मीथेन अमाइन. और इसका कॉमन नेम क्या है, ये मिथिल है, तो इसका कॉमन नेम आएगा मिथिल अमाइन. सेम एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, CH3CH2Cl. कंपाउंड का नेम आपको पता है, क्लोरो इथेन. आपको रिएक्शन किसके साथ करनी है, अल्कोहलिक अमोनिया. तो यहाँ पे अल्कोहलिक मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, हीट करना है, रिएक्शन होगी अंडर प्रेशर. तो आपको इधर प्रेशर लिखना इम्पोर्टेंट है. NH3, इस NH3 ग्रुप को मैं ऐसे लिखती हूँ, HNH2. आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस क्लोरीन के जगह पे कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, NH2. मतलब NH2 आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2NH2. और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, आपका बाय प्रोडक्ट होगा HCl. अभी आपको यहाँ पे कंपाउंड मिला है अमाइन, इसका नेम कैसे लिखेंगे, NH2 इस कार्बन को अटैच है, 1 2, कितने कार्बन है, टू कार्बन मीन्स इथेन. तो इसका नेम आएगा इथेन. अभी इधर ई मत लिखो, इसके आगे डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, अमाइन, इथेन अमाइन. इसका कॉमन नेम आएगा इथिल अमाइन. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, CH3CH2CH2Br, 1 2 3, वन ब्रोमो प्रोपेन.
आपको इसका कॉमन नेम पता होगा, एन प्रोपील ब्रोमाइड, रिएक्शन विद अल्कोहलिक अमोनिया दैट इज NH3, हीट करना है, रिएक्शन होगी अंडर प्रेशर इज NH3 को मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ HNH2। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इस Br के जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, NH2 आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 और Br के जगह पे आपने क्या अटैच किया, NH2। अब इस NH2 ग्रुप 1, 2, 3 फर्स्ट कार्बन को अटैच है, तो इसका नेम आएगा प्रोपेन 1-amine, और ये N प्रोपिल ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम आएगा N प्रोपिल अमाइन। सिंपल रिएक्शन है। अभी आपने NH2 ग्रुप इधर अटैच किया तो ये H और ये Br, आपका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, HBr। सेम रिएक्शन हम एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। CH3 IUPAC nomenclature 2-chloropropane, इसका कॉमन नेम आएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। किसके साथ करनी है, अल्कोहलिक अमोनिया। रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है, रिएक्शन होगी अंडर प्रेशर। सेम आपको इस हैलोजन के जगह पे NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, तो इस अमोनिया को मैं ऐसे लिखती हूँ HNH2, मतलब ये NH2 ग्रुप मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH CH3, मतलब हैलोजन के जगह पे मैंने NH2 ग्रुप अटैच किया, और ये क्लोरीन और ये Cl, मेरा प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट HCl। अभी इस NH2 ग्रुप इस कार्बन को अटैच है तो इसका नेम आएगा प्रोपेन 2-amine, इसका कॉमन नेम आएगा आइसोप्रोपिल अमाइन। सिंपल रिएक्शन है, आपने यहाँ पे क्या किया है, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके NH2 ग्रुप अटैच किया तो आपको क्या मिला, प्राइमरी अमाइन।